तो फ्रेंड्स मार्केट में ब्लड शुगर घर पे मॉनिटर करने के लिए बहुत सारी मशीन्स आती हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में जो दो मशीन्स फेमस हैं, एक है एक्यूचेक और दूसरी है डॉक्टर मोरपेन ग्लूकोवन। ये दोनों ही मशीन्स काफ़ी पॉपुलर हैं, बट बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों में से कौन सी मशीन डेली यूज़ के लिए बेटर है, कौन सी मशीन हमें यूज़ करनी चाहिए। तो आज हम ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जहाँ पे हम दोनों प्रोडक्ट्स को आपके सामने कंपेयर करेंगे और आपको बताएंगे आपके लिए बेटर कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सी मशीन आपके लिए बेटर है। तो एक एक करके देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं एक्यूचेक। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों की पैकेजिंग में, एक्यूचेक की पैकेजिंग जो है वो ज़्यादा स्लीक है, ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ज़्यादा प्रीमियम दिखती है, जबकि ग्लूकोवन जो मोरपेन का प्रोडक्ट है इसकी पैकेजिंग अच्छी है बट बहुत ही बेसिक है और काफ़ी थोड़ी बड़ी है कंपैरिजन में। ये तो सिंपल पैकेजिंग है, एक बार दोनों को अंदर से खोल के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों के अंदर एक लैंसिंग डिवाइस आता है। एक्यूचेक का लैंसिंग डिवाइस ये रहा, ये यहाँ पे इस तरीके से लगा हुआ है। ग्लूकोवन का लैंसिंग डिवाइस यहाँ पे है। दोनों के अंदर आप टेस्ट स्ट्रिप्स रखने की जगह देख सकते हैं। दोनों की मशीन्स यहाँ पे हैं। मशीन्स अगर कंपेयर करें तो देखिए ये दोनों की मशीन्स इस तरीके से दिखती हैं। दिखने में ज़्यादा कुछ कंपैरिजन नहीं है बट मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली में फ़र्क कहाँ पे है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं एक्यूचेक एक थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है। अगर आप एक्यूचेक एक्टिव की नई मशीन मार्केट में खरीदने जाते हैं तो आपको ये 1200-1300 रुपये तक की मिलेगी, 1200-1300 रुपीज़। वाइल ग्लूकोवन डॉक्टर मोरपेन की जो मशीन है ये काफ़ी सस्ती है, ये मार्केट में 600-700 रुपये की अवेलेबल है, 600-700 रुपीज़। एंड देयरफॉर दिस इज़ अ मोर इकोनॉमिकल प्रोडक्ट फॉर यूज़ एट होम। दोनों की अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो आप सिर्फ लैंसिंग डिवाइस से ही देख सकते हैं कि एक्यूचेक की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिखती है। डॉक्टर मोरपेन की क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी कंपैरिजन में थोड़ी सी हल्की दिखती है। एक्यूचेक के लिए इसको प्रेस करना है और यहाँ से बटन दबाना है रिलीज़ के लिए, जबकि डॉक्टर मोरपेन में इसको पीछे पुल करना है और फिर बटन दबाना है, तो ऑपोजिट काम करते हैं। लेकिन बिल्ड क्वालिटी वाइज मुझे ऐसा लगता है कि एक्यूचेक ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। मोरपेन भी ठीक है बट बेटर क्वालिटी इज़ एक्यूचेक। अगर मैं एवरीडे यूज़ की बात करूँ, स्ट्रिप्स की बात करूँ, तो एक्यूचेक की जो 50 टेस्ट स्ट्रिप्स का बॉक्स आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1100 रुपये के करीब आता है, 1000-1100 रुपीज़ नियर बाय केमिस्ट से। यही अगर मैं डॉक्टर मोरपेन की टेस्ट स्ट्रिप्स की बात करूँ तो ये 50 का जो बॉक्स है ये अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपीज़ का आता है। तो आप देख सकते हैं कि डेली यूज़ के अंदर भी इसकी टेस्ट स्ट्रिप्स काफ़ी इकोनॉमिकल हैं डॉक्टर मोरपेन की, इसीलिए ये एवरीडे यूज़ में भी ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ता है। नाउ ये तो बात थी कॉस्ट की, बट अगर मैं यूजेज की बात करूँ फ्रेंड्स, तो मैंने पर्सनली दोनों को यूज़ करके देखा है और मुझे ऐसा लगता है कि डॉक्टर मोरपेन इज़ मच मोर एफिशिएंट व्हेन इट कम्स टू ऑपरेशंस, क्योंकि इसको ब्लड बहुत कम चाहिए कंपैरेटिवली। अभी मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा, बहुत ही कम ब्लड यूज़ करके आप इसके अंदर शुगर की रीडिंग ले सकते हैं और इसकी शुगर की रीडिंग बहुत फास्ट है कंपेयर टू एक्यूचेक। ना सिर्फ फास्ट है, एक्यूचेक में मुझे बहुत बार एरर फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से मेरी शुगर स्ट्रिप्स वेस्ट हो जाती हैं। मुझे आज तक डॉक्टर मोरपेन में ऐसा कोई भी एरर फेस नहीं करना पड़ा है और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए डॉक्टर मोरपेन ज़्यादा प्रेफर्ड ऑप्शन बनती जा रही है जैसे जैसे हम यूज़ कर रहे हैं। तो मैंने ये जो बातें बोली, आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम एक्यूचेक से शुगर चेक करने की कोशिश करते हैं। तो मैंने ये एक टेस्ट स्ट्रिप ले ली है फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा टेस्ट स्ट्रिप निकाल के इस बॉक्स को क्लोज करके रखिएगा, मॉइस्चर नहीं आना चाहिए। और मैंने ये मशीन निकाल ली है, तो सबसे पहले मुझे अपने आप को प्रिक करना है। तो ये देख सकते हैं मैंने प्रिक कर लिया है, ब्लड ठीक ठाक क्वांटिटी में ब्लड आ गया है और अब मैं मशीन के अंदर स्ट्रिप डालूंगा। मशीन ऑन हो गई है स्ट्रिप डालने पे और अब ये मुझे ब्लड डिपॉजिट करने के लिए बोल रहा है। तो मुझे ये ब्लड को उंगली से ग्रीन पैच के ऊपर इस तरह से लगाना होता है, ये ग्रीन पैच पे। देखिए ये मेरा वन ब्लड शुगर बता रही है 182। तो मैंने यहाँ ग्रीन पैच पे अपना ब्लड लगाया और आप देख सकते हैं आपको ब्लड जनरली पूरे ग्रीन पैच को कवर करने के लिए लगाना होता है। तो इसको ठीक ठाक क्वांटिटी में ब्लड चाहिए होता है
शुगर रीडिंग मॉनिटर करने के लिए। अगर आप यहाँ पे कम ब्लड डालते हैं, अगर मैंने कम ब्लड डाला होता तो ये एरर दे देता, विच मीन्स मुझे एक नई शुगर स्ट्रिप यूज़ करनी पड़ती शुगर चेक करने के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर 5 से 6 सेकंड लगे होंगे, लेकिन शुगर जो ब्लड लगा वो काफ़ी ज़्यादा लगा और उसके बाद ये मशीन ऑफ हो गई। तो ये था सिंपल तरीका एक्यूचेक से ब्लड शुगर मेजर करने का। आइए अब हम सेम टाइम पे शुगर मेजर करते हैं डॉक्टर मोरपेन से। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं डॉक्टर मोरपेन की स्ट्रिप, टेस्ट स्ट्रिप काफ़ी छोटी है इन कंपैरिजन टू एक्यूचेक। बहुत छोटी सी स्ट्रिप है। अगेन इसका लैंसिंग डिवाइस मैंने रेडी किया और मैं अपने आप को प्रिक करने जा रहा हूँ। ये मैंने अपने आप को प्रिक कर लिया है, बहुत ज़रा सा ब्लड आ गया है और इतना ब्लड काफ़ी है। आप नोट कर सकते हैं द ब्लड रिक्वायर्ड फॉर डॉक्टर मोरपेन इज वेरी लेस एज कम्पेयर टू एक्यूचेक, क्योंकि मुझे पूरे ग्रीन को कवर नहीं करना होता। मैंने स्ट्रिप लगाई, मशीन ऑन हो गई, ब्लड मांग रही है। ये सिर्फ जो टिप है, मैं उस टिप को ब्लड पे टच करूंगा और ये अपने आप ब्लड को सक करेगी। ध्यान से देखिएगा, एंड दैट्स इट। और ये मेरा ब्लड शुगर दिखा दिया इसने 177। तो आप देख सकते हैं कि द ब्लड रिक्वायर्ड वॉज वेरी लेस एज कंपेयर टू एक्यूचेक। ब्लड रीडिंग थोड़ी सी जल्दी आई, उसमें शायद 6-7 सेकंड लगे थे, इसमें 5 सेकंड लगे, 1 सेकंड का फर्क पड़ा। बट मुझे नहीं लगता 1 सेकंड से कोई भी फर्क पड़ता है हम सबको, बट हाँ इससे ज़रूर फर्क पड़ता है कि कितना ब्लड रिक्वायर्ड है रीडिंग लेने के लिए। तो डॉक्टर मोरपेन के अंदर रीडिंग लेने के लिए बहुत ही कम ब्लड लगा। स्ट्रिप सस्ती है, मशीन सस्ती है, एक्यूरेसी ऑलमोस्ट बराबर है। तो मेरे लिए तो फ्रेंड्स डॉक्टर मोरपेन इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इंडीड। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, अगर आप लोग एक अच्छी ब्लड ग्लूकोज मशीन ढूंढ रहे हैं, डू कंसिडर डॉक्टर मोरपेन, डेफिनेटली वर्थ फॉर एवरीडे यूज़। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।